हेलो दोस्तों, आरुष लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमारे बच्चों को सर्दी और खांसी हो जाए तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। सर्दी और खांसी के लिए वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो मार्केट में, जो केमिस्ट की शॉप पे अवेलेबल होते हैं, पर अगर हम कुछ घरेलू उपचार करेंगे तो बेबी की हेल्थ के लिए ज़्यादा ठीक रहेंगे। क्योंकि जो मार्केट में प्रोडक्ट होते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और बच्चों को जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए उसमें ऐसे चीज़ें मिलाई जाती हैं वो हमारी बच्चे की जो बॉडी होती है उसके लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होते। तो यहाँ पर मैं कुछ घरेलू उपचार के बारे में बताऊँगी जिससे हम अपने बच्चे की सर्दी खांसी को ठीक कर सकते हैं और हम बच्चों की देखभाल कैसे करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्दी और खांसी के प्रकार, जो घरेलू उपचार होते हैं उसको अप्लाई करने से पहले सबसे पहले तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि जो हमारे बच्चे को खांसी है वह किस तरह की है। सूखी खांसी, जैसे सूखी खांसी मतलब ड्राई कफ, मतलब उसे कफ आ रहा है या नहीं आ रहा है। गीली खांसी और सूखी खांसी, ये दो तरह की खांसी होती है। जो गीली खांसी होती है कंजेस्टिव कफ, इसमें क्या होता है गले और नाक में कफ रहता है, जैसे बच्चे को थोड़ी सी सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है, जबकि ड्राई कफ होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। अब हम घरेलू उपचार की बात करेंगे तो घर की जो कुछ चीज़ें हैं अगर हम उनको बच्चों को अप्लाई करेंगे तो बच्चे की सर्दी खांसी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। माँ का दूध, न्यूबॉर्न बेबी के लिए सिर्फ माँ का दूध ही ऐसा नेचुरल फूड होता है जिससे वह अपने आप ही इन्फेक्शन से उसके अंदर लड़ने की एबिलिटी आती है। 6 महीने तक के बच्चों को हमें सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए। नेजल ड्रॉप, जिन बच्चों की नाक बंद हो जाती है, जैसे बच्चों को जब ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो बच्चों की नाक भी बंद हो जाती है और उन्हें सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम डॉक्टर के एडवाइस से नेजल ड्रॉप का भी यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या है, 2-3 बूंदें बच्चों की नाक में डालेंगे और थोड़ी देर हम उसे वैसी कंडीशन में लटाए रखेंगे तो बच्चे की नाक अपने आप खुल जाएगी और उसे सांस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सरसों का तेल, सरसों का तेल के हम क्या करेंगे, सरसों के तेल को एक कटोरी में लेंगे और हल्का सा गर्म करेंगे और बच्चे की मालिश करेंगे। मालिश करने से पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, पहले हम उसे अपने हाथ पर टच करके देखेंगे क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो हमें बिल्कुल भी गर्म तेल नहीं करना है, तो तेल को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। गुड़, गुड़ में हम काली मिर्च, जीरा, पानी, ये सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे। जैसे गुड़ हमने 1 चम्मच ले लिया, काली मिर्च का पाउडर ले लिया 1 चम्मच, जीरा ले लिया 1 चुटकी, पानी 1 कप। 1 कप में हम ये सारी चीज़ें, गुड़, मिर्च, जीरा, ये सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे। फिर हम उसे बॉयल करेंगे, फिर उसको छान कर रख लेंगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर हम उसे ऐसा ही रखा रहने देंगे ठंडा होने के लिए। फिर बच्चे को दिन में 2 से 3 बार 1-1 चम्मच देंगे तो बच्चे की सर्दी खांसी जल्दी से ठीक हो जाएगी। शहद, जब बच्चा हमारा 1 साल का है तो हम उसे शहद नहीं दे सकते, यह सर्दी खांसी के लिए हम जब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमारा बच्चा 1 साल से बड़ा है तो हम शहद का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने काली मिर्च का पाउडर बनाया, उसमें शहद मिक्स किया और हमने बच्चे को दे दिया, या हम अदरक का यूज भी कर सकते हैं, जैसे अदरक का रस निकाला और शहद में मिलाया और हम हल्का सा गर्म करके बच्चे को खिला सकते हैं। अगर अदरक नहीं है तो सौंठ है, सौंठ को मिलाइए और उसे बच्चे को थोड़ा सा चटा दीजिए तो बच्चे की सर्दी खांसी ठीक हो जाएगी। हल्दी दूध, गर्म पानी या दूध, इसमें हल्दी को हम थोड़ी सी हल्दी बनाएंगे, हल्दी को हम मिक्स करेंगे दूध में और हम उस बच्चे को, अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है तो 2 से 3 चम्मच हम उसे देंगे, अगर बच्चा 1 या 2 साल का है तो हम उसको आधे ग्लास में भी मिलाकर दे सकते हैं क्योंकि 1-2 साल का बच्चा उसे आसानी से पी लेगा। हम ये भी कर सकते हैं, जैसे हल्दी को हम गर्म पानी में थोड़ा सा मिक्स करके उसका पेस्ट बनाएंगे, तो जैसे न्यूबॉर्न बेबी है तो उसके बच्चे के जो माथा है उस पर हम मालिश करेंगे, पैरों के जो तलवे होते हैं उस पर मालिश करेंगे क्योंकि हल्दी गर्म होती है, उससे बच्चे को गर्माहट मिलेगी और सर्दी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। वाटर, पानी की कमी ना होने दें, 6 महीने तक तो बच्चा पानी पीता ही नहीं है, पर अगर बच्चा उससे बड़ा है और उसे सर्दी खांसी हो जाए तो ये नहीं है कि पानी पिलाने से सर्दी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, तो हमें बच्चे को पानी भी पिलाना चाहिए बीच बीच में, नहीं तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस यही सारे घरेलू उपचार थे, अगर हम इनका अप्लाई करेंगे तो हमारे बच्चे की सर्दी खांसी जल्दी से ठीक हो जाएगी।
आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर करिए और आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम आपके लिए वीडियो लाएं तो आपके पास अपडेट आ जाए। धन्यवाद।